दिल्ली में अगर बेस्ट चुचू नान की बात की जाए तो उसमें राजू चुचू नान का नाम सबसे ऊपर आता है और पिछले 25 साल से ये अपने चुचू नान का स्वाद ना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इनका दावा है कि एक बार अगर आप इनके चुचू नान टेस्ट कर लोगे तो कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार यहीं आओगे। यहाँ पे देखो इनका एक तंदूर लगा हुआ है जहाँ पे नान की प्रिपरेशन हो रही है, प्लस अगर साइड में देखोगे तो वहाँ पे भी एक तंदूर लगा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इनके नान में ना यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स और पनीर प्लस मक्खन भी मिलता है, और ये शाही पनीर, और इसमें पनीर के पीस देखोगे आप कितने बड़े बड़े पीसेस, दाल मखनी और मिक्स वेज। और आप नान देखोगे इनके तो बहुत अच्छे से इस पर गार्निशिंग की गई है, और बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली में जहाँ पे गार्निशिंग भी नान के ऊपर बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी डाइनिंग भी है यहाँ पे अंदर, अंदर बैठ के भी खा सकते हो और बाहर भी आप खा सकते हो, वहाँ पे भी टेबल्स लगी हुई हैं। अगर आप देखोगे इनके तंदूर के कारीगरों को तो इनकी स्पीड देखो, और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे ना नान बनाई जाती है, प्लस अगर आप इनके चुर नान की प्रिपरेशन होने के बाद गार्निशिंग देखो, यहाँ पे आपको मिलते हैं काजू, किशमिश, बहुत ही बढ़िया वाइट पनीर, प्लस उसके साथ बटर, जिसको देख के ना मुंह में आ जाता है पानी और रुका नहीं जाता है कि आप इसको टेस्ट किए बगैर यहाँ से जा ही नहीं सकते। सिंस 97 से ये लोगों तक अपने चुरचू नान का स्वाद पहुँचा रहे हैं। पहले स्टार्ट किया था एक छोटी सी कार्ट में, 4 साल पहले अपना ये रेस्टोरेंट ओपन किया है। और ये शाही पनीर, और इसमें पनीर के पीस देखोगे आप कितने बड़े बड़े पीसेज हैं, दाल मखनी, साथ में छोले, और छोले को बताओ गार्निशिंग कितनी अच्छे से की गई है, हर चीज़ के ऊपर गार्निशिंग बहुत अच्छे से की गई है यहाँ पे, और मिक्स वेज। तो जैसा आपको दिख रहा है कि हमारी प्लेटिंग लग चुकी है, और प्लेट में क्या क्या सर्व हुआ ये देखो आप पहले, ये तो हमारे चूरचूर नान, और इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको खोल के क्यों क्या क्या चमोली, तो इसमें है ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमें काजू, किशमिश और पनीर के साथ बटर मिला है, और साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पनीर की सब्जी मिली है, ऊपर से आपको बटर दिख रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है, पनीर का पीस भी काफ़ी बड़ा है, और साथ ही साथ हमें मिली है इसमें दाल मखनी, ये देखो दाल मखनी, और नेक्स्ट हमारे पास इनका रायता जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, साथ में अचार है, और इधर देखोगे आप तो मिक्स वेज भी है, और खाने का लोग बोलते हैं कि गुड़ खाने से सेहत अच्छी होती है, तो उन्होंने गुड़ भी दिया है साथ में खाने के लिए। 25 सालों से यही स्वाद सर्व कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। पनीर की सब्जी लेता हूँ मैं, मैंने दाल मखनी की बाइट लेता हूँ एक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है दाल मखनी के साथ चुचू नान को खाने के, बस स्वाद से भरपूर। अब इनकी मिक्स वेज टेस्ट करता हूँ, मिक्स वेज कैसी है भाई, मिक्स वेज की बाइट बनाइए, पनीर भी अच्छी है और मिक्स वेज की सब्जी भी बहुत अच्छी है, टेस्ट सही में बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने दाल मखनी टेस्ट करी थी, बढ़िया ही लाजवाब टेस्ट आया, रायता का काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, और ये आपको हम कुछ बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में टेस्ट अच्छा है तभी यहाँ पे इतनी भीड़ है। अगर आप देखोगे पीछे हमारे तो वहाँ देखो भीड़ कितनी है, शॉप पे लोग वेट कर रहे हैं अपनी थाली लेने का, प्लस यहाँ पे लोग बाहर बैठ के भी खा रहे हैं, और डाइनिंग भी है इनका यहाँ पे, साथ ही साथ प्लस यहाँ का अगर स्टाफ देखोगे और यहाँ का बिल्कुल जो वाइब्स है पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा सेक्टर 12, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 12 द्वारका का, और यहाँ का गूगल मैप लिंक प्लस एड्रेस आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी आओ और इनके स्वाद का मजा लो, एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, बाय बाय।